जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देखा, मेरे राजस्थानी लोग इसे जल्दी से पहचान गए होंगे। और बाकियों के लिए बता दूं, इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में गूंदे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रेग्रेंट मैनजैक, और ग्रामीण भाषा में इसे कहते हैं लसोड़ा। वैसे तो इसका कोई खास अच्छा टेस्ट होता नहीं है, और जब ये पक जाता है तो ये मीठा हो जाता है, और कच्चा रहता है तो एकदम राइस की तरह टेस्टलेस होता है। मीठा बनाओगे तो मुरब्बा बन जाएगा, तीखा करोगे तो सब्जी में काम आ जाएगा। लेकिन इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको इसकी सब्जी के बारे में बता देता हूं और इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले हमारे पास है कच्ची गूंदे, फिर है एक कच्ची कैरी, उसके बाद हमारे पास है मेथी जिसे मैंने सोख करके रखा था 3 से 4 घंटे के लिए। अब कर लेंगे हम गूंदों को बॉयल। उसके लिए हमें लेना है एक बर्तन और उसे 50% भर के बॉयल करना है। मगर एक बात का ध्यान रखना है आपको, गूंदों को उसकी डंडियों से अलग करके बिल्कुल मत डालना, नहीं तो सारा पानी आपके गूंदों में चला जाएगा और गूंदे एकदम हो जाएंगे लिपलिपे से। अब जब तक कि हमारे गूंदे बॉयल हो रहे हैं, जब तक हम काट लेते हैं कैरी को। मगर आपने एक चीज़ नोटिस करी, गूंदे हमारे कम है और कैरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर पूरी कैरी हम काट के डालेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल ही खट्टी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम ले रहे हैं आधी कैरी, और आधी कैरी को हम काट लेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस में। गूंदों को बॉयल होने में लगेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, वो भी लो फ्लेम पे। उसके बाद गैस को बंद कर लीजिए और इन्हें छान लीजिए। छानने के बाद आपके गूंदे कुछ ऐसे दिखेंगे। अब जब तक कि हमारे गूंदे ठंडे हो रहे हैं, जब तक कर लेते हैं मेथी को बॉयल, ताकि उसका जो कड़वापन है वो निकल सके। एक पैन में डाल लीजिए मेथी को और उसमें पानी डाल के इसे बॉयल कर लीजिए, जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल आते ही गैस को बंद कर लीजिए, नहीं तो अगर फूट गई मेथी तो कड़वी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके सारे गुण बताता हूँ। सबसे पहला गुण जो कि सबसे लाभदायक है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो, आप 1 किलो जानवर का मांस का सेवन कर रहे हैं तो उसके बराबर ऊर्जा देने वाला सिर्फ इसके 5 फल हैं, है ना लाभदायक। दूसरा इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि अगर आप इसके पत्तों को खा रहे हैं तो आपके दांतों में कभी बीमारी नहीं होगी। तीसरा सबसे अच्छा गुण इसका यह है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव भी है, कि अगर जो इसके अंदर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसका सेवन करने से आपको दांत खाज खुजली आपके जीवन में कभी नहीं होगी, है ना लाभदायक। तो वीडियो का आगे शुरू करते हैं, हमारे गूंदे ठंडे भी हो गए हैं। गूंदे हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब आपको करना यह है कि आपको इन गूंदों को लेना है और इसी तरीके से प्रेस करके इसके अंदर की गुठली को निकाल लेनी है। जब आप इनके अंदर की गुठलियाँ निकालेंगे, जब आप देखेंगे कि इसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि ये दांत खाज खुजली में बहुत ज़्यादा असरदारक है। हमने सारी गुठलियों को कर लिया है गूंदों से बिल्कुल ही अलग। अब कैरी गूंदे बनाने के लिए आपको चाहिएगा एक नॉनस्टिक पैन, उसके अंदर आप डाल लीजिए ऑयल, आप अपनी मर्जी का ऑयल डाल लीजिए, या तो सरसों के तेल पे या फिर सोयाबीन, किसी भी तेल में आप बना सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डाल लीजिए मेथी जो कि आपने बॉयल की थी, साथ ही साथ आपको डालना पड़ेगा सौंफ और हींग तड़के के लिए। फिर आप इसमें डाल लीजिए आपकी बारीक स्लाइस की हुई कैरी और इसे पका लीजिए तब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी आपकी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। अब आप डाल लीजिए मसाले, जिसमें हमने डाली है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इसे कर लीजिए एक बार अच्छे से मिक्स, और गैस को आप रखिएगा मीडियम फ्लेम पे। फिर डाल लीजिए आप सॉल्ट और फिर से एक बार कर लीजिए अच्छे से मिक्स। अब जैसे ही आपके मसाले ऑयल छोड़ने लगे, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए आपके सारे गूंदे। गूंदे डालने के बाद आपको कर लेना है गैस को एकदम लो पे और इसे पकने देना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसका चिपचिपापन खत्म हो सके। 3 से 4 मिनट बाद गैस को कर दीजिए बंद और आपके कैरी गूंदे रेडी हैं। कोई कहता है इसे अचार तो कोई कहता है इसे सब्जी, बस आप खाते जाइए और इसके गुण गाते जाइए। मुझे यकीन है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही शानदार रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको क्या पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।